गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब लोग? विश्वास करता हूं कि बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं, घर में सब बढ़िया है, हमारे यहां भी सब बढ़िया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग प्लान के बारे में हम बातचीत करने आए हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि समीर जी का मोदी केयर का एक ही सपना है, और वह सपना जब 1996 में मोदी केयर शुरू हुई थी तब से शुरू हुआ, और साल भर साल हम लोग मिलकर उसको स्ट्रांग बनाते रहे। और वो विजन क्या है, वो ड्रीम क्या है, वो मिशन क्या है? वो मिशन है घर घर आजादी। हर हिंदुस्तानी, हर भारतवासी को जब तक उसकी जिंदगी में आर्थिक रूप से खुशियों की आजादी नहीं मिलेगी, तब तक हम चैन से सोएंगे नहीं। हमारे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही कुछ सालों में, हर साल हमने बढ़िया परफॉर्म किया। पिछले साल भी हमने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, कई सारे लखपति आए, कई घरों में और खुशियां आई, कई घरों में नई गाड़ियां आई, कई घरों में और नए घर बने, कई लोग विदेश यात्राओं गए। यानी कि जिंदगी एक बहुत बढ़िया जिंदगी रही है मोदी केयर के साथ, और अब उस आजादी में और स्पीड बढ़ाने का समय आ गया है। और समीर जी जैसे हमेशा कहते हैं, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपकी जेब में रोकड़ा और कैसे डले। और इसी चीज को इंश्योर करने के लिए मिस्टर समीर मोदी और मोदी केयर आपके लिए लेकर आया है वन ऑफ द बेस्ट प्लान्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द हाईएस्ट रिवॉर्डिंग प्लान्स इन द वर्ल्ड, जिसका नाम है, लेडीज एंड जेंटलमैन, समीर मोदी आजादी प्लान 2.0। और जो प्लान है ये मिस्टर मोदी का जो ड्रीम है आजादी फॉर ऑल, उसको आपके लिए और स्ट्रांग बनाने वाला है। समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आज तक जितने भी प्लान हमने आपको दिए, और हर प्लान अच्छा था, हर प्लान ने बढ़िया काम किया, लेकिन समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 वो प्लान है जो हर चीज का बढ़िया लेकर के, आपकी फेवरेट चीजों का बढ़िया लेकर के, और चीजों को और स्ट्रेंथन करके ले आपके लिए लाया है। और अब आगे बढ़ते हैं, मुझे मालूम है कि आपके मन में एक सवाल होगा, सर जल्दी से प्लान बताइए, समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 क्या है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए शुरू करते हैं और आपको समराइज्ड वे में, छोटे रूप में बताने की कोशिश करते हैं कि समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 आपकी जिंदगी कैसे बदलने वाला है। उससे पहले कि मैं प्लान के बेसिक रूल्स में जाऊं, क्वालिफिकेशंस में जाऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह प्लान आपके लिए स्पेशल क्यों बनने वाला है। हम सब जानते हैं कि मोदी केयर ने आज तक आपको 62% का प्लान पे आउट दिया है, और हम यह भी जानते हैं कि अगर हमारे पैसे और बढ़ जाएं, यह जाहिर सी बात है, तो जिंदगी और बेहतरीन हो जाएगी। और पैसे बढ़ाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? वो है पे आउट बढ़ा दीजिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एब्सोल्यूटली मिस्टर मोदी येट अगेन आपके लिए एक ऐसा प्लान लाए हैं जो वन ऑफ द हाईएस्ट पेआउट प्लान्स है। यानी कि मोदी केयर ने पेआउट को अब 62% से बढ़ाकर 72% कर दिया है, कि नहीं कमाल की बात? 10% प्लान पेआउट में इजाफा। यह तो हो गया इसका पहला यूएसपी। दूसरा यूएसपी क्या है? इसका यूएसपी दूसरा यह है कि अब आपको और पैसा आने वाला है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 12 एरिया ऑफ इनकम मोदी केयर आपको देने वाला है। ज्यादा पैसा, ज्यादा इनकम, ज्यादा पे आउट, ये तो गारंटीड हो गया कि मेरे पैसे बढ़ने वाले हैं। और स्पेशल क्या जानना चाहते हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, मोदी केयर की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही है, वो है आम लोगों का सफल होना, भारतवासियों का सफल होना। और हम लोग सब क्या चाहते हैं कि जिंदगी में जो करें, अगर वो चीज में हम कभी नीचे ना आए, तो क्या जिंदगी जीने में मजा नहीं आएगा? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका फेवरेट, हर प्लान का फेवरेट एलिमेंट हम वापस लेकर आए हैं, और वो है एक्यूमुलेशन इज बैक। यानी कि जिंदगी भर के लिए आप अपने टाइटल और लेवल मेंटेन कर पाएंगे, और एक बार आप जो लेवल हासिल करेंगे वो कभी नीचे नहीं आएगा, है कि नहीं कमाल की बात? दिस इज योर फेवरेट थिंग एंड पॉपुलर डिमांड, मोदी केयर इज गेटिंग इट बैक फॉर यू। और इतना ही नहीं लेडीज एंड जेंटलमैन, एक पीवी, एब्सोल्युटली सही सुना आपने, अब एक पीवी का ऑर्डर डालने पर भी आपको इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि मोदी केयर यह मानता है, समीर जी ये मानते हैं कि आजादी की कोई सीमा नहीं होती है, पहला कदम भी आजादी की तरफ है। तो आप पहला जब कदम लेते हैं, अगर एक पीवी का भी मिनिमम ऑर्डर डाले, तो आप इंसेंटिव के लिए हकदार हो जाएंगे, है कि नहीं कमाल की बात? और इतना ही नहीं लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइटल क्वालिफाई करने के लिए समीर मोदी आजादी प्लान में जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो पर्सनल वॉल्यूम्स थी, और भी कुछ वॉल्यूम जिसके बारे में मैं आगे चलकर बात करूंगा,
उसको भी हमने कम किया है। यानी कि टाइटल्स करने तो आसान हो ही गए, पैसा तो ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में क्वालिफिकेशन आसान हो गई। ये सोच सकते हैं आप, क्वालिफिकेशन आसान, पैसा ज्यादा। दिस इज द मैजिक ऑफ समीर मोदी आजादी प्लान 2.0। और इतना ही नहीं लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे जैसे आप मोदी केयर के सफर में आगे बढ़ेंगे, आप एक लीडर बनेंगे, आप हो सकता है 100 रुपए या 500 रुपए से शुरू करें, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप चाहेंगे कि आपको रोकड़ा ज्यादा मिले। और रोकड़ा बढ़ाने का सबसे बड़ा बोनस कौन सा होता है? वो होता है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। हमने लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस को बेस्ट एवर बोनस बनाया है। एक तो पूल बढ़ाया है 15% से 17%, और भी कुछ बेहतरीन एलिमेंट्स हमने आपको इसमें दिए हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। इतना ही नहीं लेडीज एंड जेंटलमैन, जितनी ज्यादा लेग्स अब आप एलपीबी में बनाएंगे, जितने ज्यादा लीडर्स अपने नीचे लाएंगे, आपका उतना ज्यादा पैसा आएगा। आप अपने नीचे वालों की मदद करेंगे आगे बढ़ने में, आपका पैसा आज से ज्यादा बढ़ेगा। यानी कि लीडरशिप बनने के लिए बेहतरीन रिवॉर्ड्स मोदी केयर आपको अपने बेस्ट एवर एलपीबी के थ्रू देने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, एक बार सफलता हासिल हो जाए तो हम सब चाहते हैं कि हम सफलता में नीचे ना जाए, राइट? तो जितने भी हमारे लीडर्स, हमारे परिवार के लोग, हमारे मोदी केयरियंस बिलीव करते हैं कंसिस्टेंसी में, उनके लिए फर्स्ट टाइम एवर मोदी केयर लेकर आया है एक फाउंडर बोनस। एब्सोल्युटली एक फाउंडर बोनस, जो कंपनी की सालाना टर्नओवर ईयरली टर्नओवर का, बीवी टर्नओवर का 1% पूल होगा। दिस इज गोइंग टू बी अ मैसिव 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 अमाउंट। कितना होगा, कैसे होगा, ये सब रूल्स मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो अच्छा पैसा, अच्छे रिवॉर्ड्स, जिंदगी भर के टाइटल्स, एक पीवी से भी आप अपना इंसेंटिव कमा पाएंगे, कंसिस्टेंसी के लिए बढ़िया रिवॉर्ड्स। और इतना ही नहीं लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब लोग चाहते थे कि मोदी केयर जो कार फंड है और होम बोनस है, जो पहले हमारा क्वालिफिकेशन था कि 3 महीने लगातार टाइटल करो, उसके बाद आप जिंदगी भर के लिए क्वालिफाई कर सकते हो इन फंड्स और पूल्स में, सब्जेक्ट टू द मिनिमम टाइटल कंडीशन वो वापस लाया जाए। तो वी लिसन टू यू, हम आपकी कंपनी है, आपके लिए काम करते हैं। समीर जी हैज हर्ड यू एंड हीज गॉट दैट फेवरेट एलिमेंट ऑफ योर्स बैक। क्या है थोड़ी देर में जानेंगे। और इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, 6 लेग पे डायमंड होता है, आज भी होता है, समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 में भी होगा। अब डायमंड जब आप करेंगे, आप मोदी केयर की सारी इनकम्स का फायदा ले पाएंगे अपनी जर्नी अप टू डायमंड। सो दीज आर दी की यूएसपीज ऑफ दिस प्लान। बहुत बेहतरीन, मजा आने वाला आगे चलकर जब आप और डिटेल में रूल सुनने वाले हैं। तो ये तो हो गया कुछ यूएसपीज के बारे में, इसके अलावा कई सारी यूएसपीज हैं। अगर मैं सारी यूएसपी बताना शुरू करूंगा तो शायद आप 2 दिन अपने स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द प्लान नाउ एंड अंडरस्टैंड व्हाट दिस प्लान इज ऑल अबाउट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने यहां देख सकते हैं वो 12 एरियाज ऑफ इनकम। वो 12 एरियाज ऑफ इनकम क्या है, आइए क्विकली आपको बता देते हैं, फिर थोड़ी डिटेल में आपको थोड़ी देर में बताएंगे। सबसे पहला है सेविंग्स ऑन कंजम्पशन, दूसरा है रिटेल प्रॉफिट, तीसरा है 7-16% एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, 4% डायरेक्टर बोनस पूल, 15% टीम बोनस पूल, 7% बिल्डर बोनस पूल, 2% डायमंड बोनस पूल, 2% ट्रैवल फंड पूल। ये पूल हमने ट्रैवल फंड का थोड़ा कम किया है ताकि आपका कैश इन हैंड बढ़ पाए। आगे चल के थोड़ा डिटेल करता हूं इसको, आपके लिए इसको बहुत बढ़िया बनाया है। अगला है 9th एरिया ऑफ इनकम, 5% कार फंड पूल, 10वां 3% होम बोनस पूल, 11वां 17% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल, एंड 12th एरिया ऑफ इनकम इज 1% ईयरली फाउंडर बोनस पूल। तो चलिए आइए एक एक बोनस को समझ लेते हैं क्विकली। सबसे पहला क्या है, सेविंग्स ऑन कंजम्पशन। तो जब आप मोदी केयर में जुड़ते हैं, सबसे पहला काम क्या करना है, 100% यूजर बनना है। और जब आप 100% यूजर बनेंगे तो सिर्फ आप एमआरपी से कम दाम में प्रोडक्ट नहीं लेंगे, जिसको हम कंसल्टेंट प्राइस कहते हैं, साथ साथ में खूब सारे लॉयल्टी बेनिफिट्स, रीपर्चेज बेनिफिट्स, और कहीं सारे मंथली अनाउंस होने वाले प्रमोशंस आपको मिलेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जितनी खरीदारी करेंगे ना घर के लिए, अपने घर का सामान रिप्लेस करेंगे, उतना अपने घर के खर्चे में आप मोदी केयर के साथ बचा पाएंगे। ये तो था पहला एरिया ऑफ इनकम। दूसरा एरिया ऑफ इनकम क्या है, जाहिर सी बात है आपको प्रोडक्ट पसंद आएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताना चाहेंगे, अपने जान पहचान के लोगों को बताना चाहेंगे, और जब आप इसको आगे शेयर करेंगे
तो आप 30% तक का रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं, यानी कि कंजम्पशन पे फायदा और शेयरिंग पे फायदा। और जब आप शेयर करेंगे फिर क्या होगा, लोगों को प्रोडक्ट पसंद आएगा, वो कहेंगे सर हम कैसे खरीद सकते हैं, यानी कि आप टीम बनाना शुरू करेंगे और यहां से आपके परफॉर्मेंस बोनस शुरू होता है। और थर्ड एरिया ऑफ इनकम है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो है हमारा अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। आप अपने सामने ये टेबल देख सकते हैं, 1 PV से आप बोनस कमाएंगे 7%, 1 PV करते हैं कम से कम, लेकिन 300 GPV ग्रुप वैल्यू से कम तो आप 7% बोनस के लिए हकदार हो जाएंगे। अगर आपका अक्यूमुलेटेड वॉल्यूम, दिस इज अक्यूमुलेटेड वॉल्यूम, हर महीने वॉल्यूम जुड़ता रहेगा, आपकी लेवल बढ़ता रहेगा, अगर आप करते हैं 300 मिनिमम या 1200 से कम GPV एक मंथ में, तो आप 7% से नहीं 10% हो जाएंगे। और एक मंथ में करने का मतलब है कि आपने जो पिछले मंथ का किया वो इस मंथ में जुड़ रहा है, यानी कि जितना आप लोग खरीदेंगे, जितनी आपकी टीम एक्टिव होगी, आपका परफॉर्मेंस बोनस लेवल बढ़ता चला जाएगा। और एक बार आपने 10% लेवल अचीव किया तो आप कभी उस लेवल से नीचे नहीं आएंगे, जिंदगी भर आप 10% अपने लिए कमाएंगे, है कि नहीं मजेदार बात। और ये आप ही के लिए नहीं, आपके डाउनलाइंस के लिए भी अप्लाई होता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे जैसे खरीदारी बढ़ रही है आपके परफॉर्मेंस बोनस लेवल बढ़ रहे हैं, एंड 16% तक आप अपने वॉल्यूम्स को अक्यूमुलेट कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस बोनस के लिए 16%। और एक बार आप 16% हो गए, फॉर लाइफ यू आर 16%। जब जब खरीदारी करेंगे, जब जब आपकी टीम खरीदारी करेगी, आपको एक 16% मान के आपका बोनस कैलकुलेट किया जाएगा, है कि नहीं मजेदार बात। और इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, जब आप 4000 कर लेंगे तो आप 16% के साथ डायरेक्टर होते हैं, प्रोवाइडेड आप एक और कंडीशन फुलफिल करें, जिसके बारे में मैं अभी आपको 2 या 3 मिनट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको टाइटल क्वालिफिकेशन के रूल बता दूं। अब टाइटल क्वालिफिकेशन हमने और आसान कर दी है, जो पर्सनल वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है, जो फिलहाल 30 है मिनिमम वॉल्यूम, उसको हमने घटाकर 15 कर दिया है। मुझे मालूम है मैं आपको 15 कह रहा हूं, आप तो तब भी 60-70-100 ही करना चाहेंगे, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट मोदी केयर आपको देती है, लेकिन 15 PV अगर आप करते हैं, आप अपने टाइटल के लिए अप टू सीनियर सुपरवाइजर क्वालिफाई कर जाते हैं। और अगर आप डायरेक्टर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम पर्सनल पीवी रिक्वायरमेंट होना चाहिए मिनिमम 30 PV। और इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, इसके साथ साथ फास्ट स्टार्ट 10% भी वापस आ गया है, अगेन अनपॉपुलर डिमांड। अगर किसी भी महीने आप 240 GPV, यानी कि फिलहाल 1:27 का रेशियो है, 6480 GPV कर लेते हैं सिंगल मंथ बिफोर रीचिंग द 10% लेवल, आप फास्ट 10% बन जाएंगे। मिलेगा क्या, एक तो लेवल तो मिलेगा ही जो जिंदगी भर के लिए रहेगा अगर आप फास्ट स्टार्ट करते हैं 10%, साथ में आपको एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बास्केट गिफ्ट में मिलेगा। और अगर आप 3 लोगों को भी फास्ट स्टार्ट कराते हैं तो आपको एक और बास्केट मिलेगा, जिसकी डिटेल आप हमारे प्लान बुकलेट या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू पा सकते हैं, है कि नहीं बढ़िया। खरीदते रहिए, लेवल बढ़ाते रहिए, टीम बनाते रहिए, जिंदगी भर अपना कैशबैक बढ़ाते रहिए। अब बारी आती है जब टीमें बनेंगी तो क्या होगा, आगे बढ़ोगे ना और रुपया कमाना चाहोगे ना। तो जब आगे बढ़ते हो स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हो तो आजादी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो फिर क्या होगा, अगर आप आगे बढ़ते हो और जिस महीने टीमें बनाना शुरू करते हो, आप डायरेक्टर से शुरू करके हमारे ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर की जर्नी पूरी कर सकते हो, अपनी आजादी बढ़ा सकते हो। अब आपने सामने देख सकते हैं क्वालिफिकेशंस, यहां पर कितना वॉल्यूम चाहिए, कितनी लेग्स चाहिए टू क्वालिफाई, डायरेक्टर के लिए क्या चाहिए, मिनिमम पीपीवी ऑफ 30, और टोटल पीजीपीवी कितना होना चाहिए, मात्र 1100, द लोएस्ट एवर पीजीपीवी एवर। वी वॉन्टेड टू मेक योर लाइफ इजियर, हम चाहते हैं कि पूरा भारत कम से कम डायरेक्टर्स अपनी जर्नी शुरू करे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, 1100 पीजीपीवी अगर आप करते हैं, आप डायरेक्टर बन जाएंगे। और यानी कि जिस महीने आप अक्यूमुलेटिवली 4000 अचीव करके क्रॉस कर लेते हैं, और उस महीने अगर आपका 1100 का वॉल्यूम हो गया, तो आप क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाएंगे। थोड़ी देर में मैं इसका और डिटेल आपको दे दूंगा। सीनियर डायरेक्टर बनना तो क्या करना है, अपने नीचे डायरेक्टर क्वालिफाई कराना है, पर्सनल पीवी 30 करना है मिनिमम, और साइड वॉल्यूम कितना होना चाहिए, पीजीपीवी 900। 3 डायरेक्टर ले आएंगे तो और आगे बढ़ेंगे, 2 डायरेक्टर ले आएंगे तो और आगे बढ़ेंगे। और जैसे जैसे आप अपने नीचे एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं, आपका लेवल बढ़ता जाएगा। आप अपने सामने यहां लेवल्स देख सकते हैं, और वो दिन दूर नहीं जब आप भी अपने हर सपने को मोदी केयर में पूरा करेंगे और हमारा हाईएस्ट टाइटल ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर अचीव करेंगे।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द पावर ऑफ मोदी केयर. क्वालिफिकेशंस आर इजियर, आप देख सकते हैं. पीजी पीबीज आर मच इजियर देन एनी अदर प्लान. समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड या समीर मोदी आजादी प्लान, दिस इज वाई वी हैव कॉल्ड दिस समीर मोदी आजादी प्लान 2.0, अ मच बेटर वर्जन ऑफ द अर्लियर प्लान्स. अब जानते हैं कि डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना है, थोड़ा डिटेल में आपको समझा देता हूं और मिलेगा क्या. आइए चलते हैं आगे. तो जब आप डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे, आप 4% हमारी एक्सक्लूसिव डायरेक्टर बोनस पूल में आ जाएंगे. यानी कि जितने भी लोग मोदी केयर में डायरेक्टर होंगे उनको 4% कंपनी का बीवी बोनस पूल मिलेगा. और क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताई, करना क्या है, मिनिमम 30 अपना पर्सनल ऑर्डर डालिए पॉइंट्स का, मिनिमम 30 पीजीपीवी करिए 1100, क्वालिफाई कर जाइए, एज सिंपल एज दिस. और जितना आपका पीजीपीवी होगा, यानी कि पीजीपीवी मल्टीप्लाइड बाय 27, फिलहाल पीवीबीवी रेशियो फिलहाल 27 है, 1:27, जितना पीजीबीवी आपका बनेगा उसका 6% लेकर के आपके पॉइंट कैलकुलेट हो जाएंगे. और आपको पैसे कितने मिलेंगे, जितनी डायरेक्टर बोनस की पॉइंट वैल्यू आएगी उसके हिसाब से पैसे मिल जाएंगे. और पॉइंट वैल्यू कैसे निकलेगी, सिंपल है, 4% कंपनी का टोटल बीवी पूल डिवाइडेड बाय जितने भी डायरेक्टर बोनस के पॉइंट्स होंगे जो डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे, उससे डिवाइड करके एक पॉइंट वैल्यू आएगी, आपका रोकड़ा आना शुरू हो जाएगा. है कि नहीं सिंपल. और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब आप फास्टर डायरेक्टर बन जाएंगे, और फास्टर डायरेक्टर क्या है, फास्टर डायरेक्टर आप देख सकते हैं कि 16% लेवल अचीव करने से पहले अगर आप किसी भी सिंगल मंथ में 3200 का जीपीवी कर लेंगे, यानी कि 86,400 जीबीवी इन टूडेज डेफिनेशन, यू विल बिकम अ फास्टर डायरेक्टर एंड यू विल गेट ऑल डायरेक्टर बेनिफिट्स. और इतना ही नहीं, 1,00,000 का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलेगा, जिसकी और आप डिटेल हमारी प्लान बुकलेट में देख सकते हैं. यानी कि डायरेक्टर बनने पर भरपूर फायदे. और डायरेक्टर बनने के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, जितने भी लोग 16% अचीव कर लेते हैं लेकिन 1100 नहीं कर पाएंगे, उनको मिलेगा 16, देयर बी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर्स. हाउएवर ये वॉल्यूम आपके पीजीपीवी में एड होगी फॉर रोलअप. अगर रोलअप मिल गया और होता है आपकी टीम के अंदर, तो आप रोलअप से भी डायरेक्टर बन पाएंगे स्टार्टिंग 1 February 2023. सो नोबडी लूजेस आउट, दे गेट देयर 16% और आपका डायरेक्टर हो गया. सो दिस इज द पावर ऑफ समीर मोदी आजादी प्लान 2.0. लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा आपको एनक्यूडी डेफिनेशन बता दें, एक सिंपल एक क्या होगा, बड़ी संक्षेप में बता देता हूं, और डिटेल के लिए आप अपने एरिया सेल्स मैनेजर या हमारे ट्रेनिंग टीम से, अपने लीडर से बात कर सकते हैं. एनक्यूडी जो वॉल्यूम होती है वो ऊपर रोल अप होती है, और अगर ऊपर ऑलरेडी क्वालिफाइड टाइटल है तो और ऊपर नहीं जाती. लेकिन मान लीजिए मैं हूं 16%, मेरा एक डाउनलाइन है 16%, उसका वॉल्यूम है 500, मेरा वॉल्यूम है 600, तो ये 500 मेरे में जुड़ी, 1100 हो गया, टाइटल क्वालिफाई हो गया, सिंपल. सो दिस इज द पावर ऑफ रोल अप वॉल्यूम. सो वी हैव गॉट द रोल अप वॉल्यूम क्वालिफिकेशन बैक फॉर ऑल ऑफ यू. तो खूब सारे डायरेक्टर्स अगर आप अपनी टीम में बनाना शुरू करेंगे, डायरेक्टर क्वालिफिकेशन इज इजी, रोल अप वॉल्यूम इज इंक्लूडेड, अक्यूमुलेशन इज देयर, टाइटल्स फॉर लाइफ. आई नो कि आप खूब सारे डायरेक्टर अपनी टीम में लाएंगे, खुद तो बनेंगे अपनी टीम में लाएंगे, फिर क्या होगा, आप मोदी केयर की सक्सेस लैडर में आगे बढ़ना शुरू करेंगे. और जब आगे बढ़ेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, यू विल स्टार्ट क्वालिफाइंग फॉर द नेक्स्ट बोनस, विच इज 15% टीम बोनस पूल. ये बोनस किस किस को मिलेगा, जितने भी क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर्स एंड अबव हैं, राइट अप टू द टॉप मोस्ट टाइटल, इस बोनस के अंदर एलिजिबल हो जाएंगे. कैसे मिलेगा, आइए वो टेबल आपको दिखाते हैं, और आप ये अपने सामने टेबल देख सकते हैं. तो अगर आप सीनियर डायरेक्टर हैं, आपको खुद की सेल्फ पीजीपीवी पे मिलेगा 6%, और आपको ये 2 generation मिलेगा. जनरेशन कौन होगा, क्वालिफाइड डायरेक्टर एंड अबव. जैसे जैसे आप अपना टाइटल बढ़ाते चले जाएंगे, आपको और जनरेशन मिलने लग जाएंगी. जितनी बड़ी टीम बनाएंगे, जितनी डीपर टीम बनाएंगे, जितना टाइटल बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा डेप्थ में टीम बोनस में क्वालिफाई करते चले जाएंगे, उतने ज्यादा पॉइंट आप बनाते चले जाएंगे. तो अगर आप ग्लोबल रेड डायमंड बनते हैं, तो आपको 9 generations तक के पॉइंट्स आपको आपकी टीम से मिलेंगे. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इज इन दिस एक्साइटिंग. 4% पूल से अब आप जब बाहर निकले, आप पहले पूल में कौन से घुसे, 15% टीम बोनस पूल. और पॉइंट कैसे मिलेंगे, पॉइंट मिलेंगे आपको आपकी पीजीपीवी के ऊपर, लेकिन पॉइंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, सिंपल. जितने भी क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर्स हैं अबव 1 month के अंदर, उनके टीम बोनस पॉइंट्स को लिया जाएगा, और 15% टोटल मोदी केयर का जो बीवी बनेगा उसका 15% से डिवाइड करके एक पॉइंट वैल्यू आ जाएगी. सो दिस इज एज सिंपल एज दिस. खूब सारी टीम बनाइए, खूब सारी अपने नीचे डायरेक्टर्स क्वालिफाई कराइए,
टाइटल आगे बढ़ाइए, डेप्थ आगे बढ़ाइए, अच्छा पैसा कमाइए, यानी कि जितने ज्यादा टाइटल जितनी ज्यादा डेप्थ उतना ज्यादा पैसा। तो ये था हमारा अगला बोनस। अब बात आती है कि सर मैं डायरेक्टर से जब एसडी बनता हूं या मान लीजिए ईडी बनता हूं तो और कुछ मिलेगा? मुझे मालूम है दिल मांगे मोर ऑलवेज, तो आगे भी मिलेगा क्योंकि इस बार हम लेकर आए हैं एक नया पूल, 7% बिल्डर बोनस पूल। और ये 7% बिल्डर बोनस पूल किसके लिए है? हमारे क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर से लेकर के प्लैटिनम तक। तो जब आप डायरेक्टर से जंप करेंगे ना सीनियर डायरेक्टर, तो आपकी आमदनी में बड़ा इजाफा होने वाला है। यहां अगर आप आगे ईडी बढ़ते हैं और बड़ा इजाफा होने वाला है। तो सीनियर डायरेक्टर से प्लैटिनम तक का लिए 7% बिल्डर बोनस पूल, यानी कि कंपनी के बीवी का 7%। पॉइंट वैल्यू कैसे निकलेगी? सिंपल, जितने भी हमारे क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर्स एंड अबव हैं अप टू प्लैटिनम पीएटी पेड एज टाइटल, उनके टीम बोनस पॉइंट्स को टोटल किया जाएगा, 7% से डिवाइड किया जाएगा। यानी कि अगर मन में सवाल आए कि मैं आगे क्यों बढ़ूं, तो पहला रीजन आपके सामने है, आप 15% पूल में आएंगे डायरेक्टर से, पहले तो मैं डायरेक्टर क्यों बनूं, 4% मिल गया, बढ़िया पैसा आ गया, आगे क्यों बढ़ूं, 15% टीम बोनस पूल मिल गया और साथ में 7% का बिल्डर बोनस पूल मिल गया। यानी कि पैसे ही पैसे, रोकड़ा ही रोकड़ा। ये तो मजा है मोदी केयर में आने का, क्योंकि मोदी केयर का एक ही ऑब्जेक्टिव है, आपकी सबकी जेब में खूब सारा रोकड़ा डालना, अगर आप चाहें तो। अगर आप चाहें तो दोस कंडीशंस ऑलवेज अप्लाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, खूब सारे लीडर्स बनाइए अपनी टीम के अंदर और इस पावरफुल बोनस को कमाना शुरू करिए। सो दिस इज अ वन मोर पावरफुल बोनस फॉर यू। अब बारी आती है, सर मैं प्लैटिनम तो बन गया, आगे क्यों बढ़ूं? एक और कारण देता हूं, जब आप प्लैटिनम से डायमंड या अबव जाएंगे तो आप हमारे दूसरे बोनस पूल में आ जाएंगे। यानी कि टीम बोनस पूल तो आपके लिए रहेगा सीनियर डायरेक्टर्स एंड अबव सबके लिए, आप बिल्डर बोनस पूल से बाहर हो जाएंगे, लेकिन आप घुस जाएंगे 2% डायमंड बोनस पूल में, जो एक्सक्लूसिवली फॉर डायमंड एंड अबव है। यानी कि जितना आगे बढ़ रहे हो पैसा कमाने का, और पूल्स आपके लिए अवेलेबल होते जा रहे हैं और खुलते जा रहे हैं। और इसके लिए पॉइंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? 2% कंपनी का बीवी जो मंथ में होगा, डिवाइडेड बाय टीम बोनस पॉइंट्स अप टू 5 generations। तो अगर मैं मान लीजिए एक बड़ा टाइटल हूं और मुझे 8 या 9वीं generation से एंटाइटलमेंट है, तो मैं 5 generation तक के आपके जो टीम बोनस पॉइंट्स होंगे एज अ कंपनी वो लूंगा और उसको ऐड करूंगा, 2% कंपनी के मंथली बीवी के साथ डिवाइड करूंगा, पॉइंट वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हर कदम लेने पर, अपनी आजादी को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम जब आप लेंगे, आप बड़े से बड़े पूल्स में घुसते चले जाएंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सिर्फ इतना ही नहीं, पूल्स ही नहीं, डायमंड बोनस पूल इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा तो आएगा ही, जब रोकड़ा आएगा तो मजा तो आएगा, लेकिन मोदी के रोकड़े के अलावा एक चीज में और बिलीव करता है। देखिए, पैसे का क्या फायदा अगर इंजॉय नहीं किया तो, है कि नहीं? पैसा कमाएंगे तो इंजॉय करना चाहेंगे अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, या जिसके साथ इंजॉय करना चाहें वो आपकी मर्जी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, रोकड़े के अलावा मोदी केयर बिलीव करता है आपको एक बढ़िया लाइफस्टाइल देना है। और लाइफस्टाइल क्या होती है? विदेश यात्राएं, भारत में अच्छी अच्छी जगह यात्राएं, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया घर हो, दोज आर लाइफस्टाइल्स एवरीबॉडी वांट्स दिस। हम काम ही इन चीजों के लिए करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइफस्टाइल के अंदर पहला बोनस आपके लिए है हमारा 2% ट्रैवल फंड। ये पहले 3% होता था हमारे पुराने प्लान्स में, और हमारे एसएमजीपी में ये पूल जो थे फंड के बड़े थे, हमने ट्रैवल फंड को छोटा कर दिया है। क्यों कर दिया है? हम चाहते हैं शुरू में जब आप आए आपके हाथ में पैसा ज्यादा आए, बिकॉज शुरू में आपको पैसा चाहिए, बिकॉज जिंदगी में अगर एंजॉय करना है, छुट्टी मनाना चाहोगे, तो शॉपिंग के लिए पैसा भी तो होना चाहिए ना। तो 2% ट्रैवल फंड पूल ये मिलेगा किसको? ये सारे क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर्स एंड अबव को मिलेगा, टॉप मोस्ट टाइटल तक। और कैसे मिलेगा? आपके 5 generations तक के टीम बोनस पॉइंट्स के ऊपर। और इस फंड से आप जब भी मोदी केयर कोई ट्रिप अनाउंस करें, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, या आप अपने मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल करना चाहें, इन फंड्स को आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी डिटेल्ड जानकारी लेना चाहें कि कैसे इस्तेमाल होगा, कहां कहां इस्तेमाल होगा, आप हमारे कंपनी ऑफिस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जी घूमना फिरना मजा करना। अब घूमे फिरे मजा करे तो गाड़ी भी तो बढ़िया चाहिए, चाहिए कि नहीं?
एक अच्छा फोर व्हीलर हो, एक अच्छी सुपर बाइक हो, जिंदगी जीने का अपना मजा हो, तो अगला आपके लिए फंड खुलता है कार फंड पूल। और कार फंड पूल कितना है? 5%। आप देख सकते हैं किसको मिलेगा, जितने भी लोग मिनिमम 3 महीने कंजेक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे नए प्लान में, समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 में, वो कार फंड पूल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और उसके बाद अगर आप मिनिमम टाइटल अपने सीनियर डायरेक्टर भी मेंटेन करते हैं, जब तक करेंगे आपको मिलता रहेगा इसमें पैसा। लेकिन मुझे मालूम आप सीनियर डायरेक्टर पे तो आना नहीं चाहेंगे, आप तो चाहेंगे मैं आगे आगे बढ़ूं, लेकिन खुदा ना खास्ता किसी महीने हो गया तो भी पैसा आएगा। और पॉइंट कैसे कैलकुलेट होंगे, यह सब पॉइंट आपके टीम बोनस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट होंगे। पॉइंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, फॉर्मूला आपके सामने आप नीचे देख सकते हैं, कंपनी के बीवी का 5% डिवाइडेड बाय टोटल टीम बोनस पॉइंट्स जो भी आप कमाएंगे। ये 5 जनरेशन तक नहीं है, इसमें सारे टीम बोनस पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे। और कितना कमा सकते हैं, अप टू 1 लाख रुपीज पर मंथ। 1 लाख रुपए में कौन सी गाड़ी आएगी, इमेजिन करके देखिए, अपना ड्रीम सेट करिए, कुशन कवर्स को फील करिए, उस पेंट को फील करिए, और अपनी ड्रीम गाड़ी आज से ही सेट करके रखिए, बहुत जल्द आपकी ड्रीम गाड़ी आएगी अगर आप चाहेंगे तो। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो हो गया भैया कार फंड पूल। अब आते हैं आगे, गाड़ी है तो अच्छा गैरेज भी होना चाहिए ना, बढ़िया बंगला भी होना चाहिए, परिवार के हर सदस्य के लिए कमरा भी होना चाहिए, जितना बड़ा घर उतना बड़ा मजा। तो उसके बाद अगर आप अपने टाइटल्स को आगे बढ़ाएं और अगर आप 3 महीने लगातार हमारा डायमंड का लेवल अचीव करेंगे, तो आप 3% हाउस बोनस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, पूल जो है हमारा। और ये उसके बाद सेम है, सीनियर डायरेक्टर भी मिनिमम करेंगे तो आपको मिलता रहेगा। कितना कमा सकते हैं मंथली, अप टू 1,20,000 रुपीज, 1,20,000 रुपए महीने तक आप हाउस बोनस में कमा सकते हैं। तो बढ़िया पैसा तो आ ही रहा है, एक अच्छी गाड़ी भी आ गई, एक अच्छा घर भी आ गया, एक अच्छी विदेश यात्रा भी घुमाए, या अपने परिवार के साथ गोवा या जहां घूमना चाहे घुमाए। लेकिन क्या अंत है, क्या और रोकड़ा है मोदी केयर में? बॉस अभी सबसे बड़ा बोनस पड़ा है, और वो बोनस क्या है माय डियर फ्रेंड्स, उस बोनस का नाम है हमारा लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल। 17% किसको मिलेगा, जितने भी सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे और उनके पास कम से कम एक 3600 जीपीवी का लेग होगा, वो हमारे लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल में क्वालिफाई कर जाएंगे। और इस 3600 की लेग में कम से कम एक क्वालिफाइड डायरेक्टर होना चाहिए, और ये 3600 की जो लेग वॉल्यूम है, ये सारी वॉल्यूम काउंट करके होगा। ये वॉल्यूम मैं कहां देख सकता हूं, अपनी रिपोर्ट्स में देख सकता हूं, ऐप पे देख सकता हूं, वेबसाइट्स पे देख सकता हूं, यानी कि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, आप अपने स्टेटसेस अपनी मोदी केयर की ऐप या मोदी केयर की वेबसाइट पे लॉगिन करके देख सकते हैं। कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, आइए जानते हैं। अब हमने इसको और टेस्टी बना दिया है, इससे बड़ा पूल मोदी केयर ने पहले कभी नहीं दिया। और यही सिर्फ इसमें टेस्टी पार्ट नहीं है, एक बहुत बढ़िया पार्ट हमने आपके लिए कर दिया है कि अब आप जब भी एलपीबी लेग बनाएंगे, आपको 2 चीजें मिलेंगी। सबसे पहली चीज मिलेगी, पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट, 3600 की फिक्स्ड गारंटी जो आपसे कटेगी नहीं और ऊपर वाले को भी मिलेगी। विन विन फॉर एवरीबॉडी, फैंटास्टिक इजंट इट, फर्स्ट टाइम एवर इन मोदी केयर। तो अगर मैंने एक एलपीबी लेग बनाई तो मुझे 3600 पॉइंट्स फिक्स्ड आ गए इस एलपीबी लेग से, मुझे ऊपर कुछ नहीं देना, लेकिन ऊपर वाले को भी मिल जाएंगे। मैंने 2 बनाई, 3600 × 2, 10 बनाई तो 3600 × 10, 50 बनाई तो 3600 × 50, जितनी ज्यादा उतना अच्छा, उतने ज्यादा पैसे, यानी कि फिक्स्ड आपको पॉइंट्स आपके 3600 मिल गए, जो पॉइंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे और आपकी एलपीबी का पहला एलिमेंट निकल आएगा। इसके अलावा भी कुछ है, एब्सोल्युटली है, अभी तो छोटा सा पार्ट था, मुझे मालूम है छोटे से पार्ट में एक्साइट हो रहे हैं, लेकिन बड़ा पार्ट अभी आना बाकी है। अब जब अपने नीचे लीडर्स बनाएंगे तो आपको मल्टीपल जनरेशन एलपीबी भी मिलेगी। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने सामने ये टेबल देख सकते हैं, योर फेवरेट एलपीबी इज बैक, यानी कि आपको आपका कितना परसेंट किस जनरेशन से मिलेगा। और जनरेशन क्या होगी इसमें, एक क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर और हायर, वो डिटरमिन करेगा आपके डाउनलाइन के पेडेस टाइटल के ऊपर उस महीने के ऊपर। तो उदाहरण के लिए अगर मैं एक ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हूं और अगर मेरे 6वीं जनरेशन में एक सीनियर डायरेक्टर है, मुझे उसकी पीजीपीवी का
कितना मिलेगा? 5%. फैंटास्टिक इजंट इट. यानी कि जितनी ज्यादा डेप्थ, जितना नीचे जाएंगे, टाइटल बढ़ाएंगे और उतनी डेप्थ कमाएंगे, उतना ज्यादा भी एलपीबी पॉइंट कमा सकते हैं. दिस इज द पावर लेडीज एंड जेंटलमैन. फिक्स्ड गारंटी तो मिल गई, उसके अलावा यह भी आपको मिल गया. आप कितना पैसा कमा सकते हैं कैलकुलेट करके देखिए. इसको करना क्या है? सिंपल है. टीम बड़ी बनाइए, लीडरशिप लेकर आइए, नीश से स्टार्ट करिए, अपनी टीम बढ़ाइए, अक्यूमुलेशन में लोगों को लाइए, उस पर डायरेक्टर बनाइए, फिर सीनियर डायरेक्टर बनाइए, टाइटल्स लोगों के आगे बढ़ाइए, खुद आगे बढ़िए, अपना टाइटल आगे बढ़ाइए और एक बहुत अच्छा पैसा हमारे लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल में से कमाइए. पॉइंट कैसे कैलकुलेट होंगे? 17% टोटल कंपनी का बीवी डिवाइडेड बाय टोटल एलपीबी पॉइंट्स, टोटल एलपीबी पॉइंट्स अर्न्ड बाय ऑल एलपीबी क्वालिफायर्स इन अ मंथ. बहुत बढ़िया पॉइंट वैल्यू आएगी. कितनी आएगी आप मंथ एंड के बाद देख सकते हैं. पॉइंट वैल्यू इज सब्जेक्ट टू चेंज फॉर एनी बोनस, पर इसकी पॉइंट वैल्यू इज ऑलवेज द बेस्ट पॉइंट वैल्यू. सबसे बड़ा पैसा अगर आप कमाना चाहते हैं तो एलपीबी के अंदर कमा सकते हैं. दूसरा पैसा भी बहुत बढ़िया है, 2-3-4-5 लाख तो उसमें आ ही सकते हैं, लेकिन अगर हम लाखों की बात कर रहे हैं, अच्छे पैसे की बात कर रहे हैं, एक बढ़िया जिंदगी की बात कर रहे हैं, तो एलपीबी विल गिव यू द बिगेस्ट मनी. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इतना ही नहीं, अगर आप अपने नीचे अपने बराबर का टाइटल लाते हैं, तो अभी तक क्या होता था, जनरेशन काफी हद तक कट हो जाती थी, 0+1, अब आपको मिलेगा 0+3, प्रोवाइडेड वो आपकी डेप्थ इंटाइटलमेंट में आता हो. तो हमने जनरेशनल डेप्थ बढ़ा दी इक्वल टाइटल पे, और अगर हायर टाइटल आ गया, फिलहाल आपको एसएमजीपी में कोई एलपीबी पॉइंट्स नहीं मिलते थे. वी हर्ड यू, वी गॉट इट बैक, मेड द प्लान इवन बेटर एंड टेस्टियर फॉर यू, और अब आपको मिलेगा हायर टाइटल पे 0+1. जीरो कौन है? आपका हायर टाइटल क्वालिफिकेशन. तो अपने नीचे टीमें बनाना शुरू करिए, नेटवर्क बनाना शुरू करिए, अपने लोगों को आगे बढ़ाइए, खुद आगे बढ़िए, आजादी बढ़ाइए, रोकड़ा कमाइए, मुस्कान लाइए, मजे कीजिए. एक जिंदगी है, बढ़िया कटनी चाहिए. खत्म? एब्सोल्युटली नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. क्योंकि जब आप इतना अच्छा पैसा कमाएंगे, आप कभी नीचे नहीं आना चाहेंगे, है कि नहीं? तो क्या करेंगे आप? अपने टाइटल्स को बढ़ाकर मेंटेन करना चाहेंगे. और जो लोग इस मोदी केयर में कंसिस्टेंटली काम करेंगे या करते हैं, उन लोगों के लिए एक स्पेशल पूल है. मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था, फाउंडर बोनस पूल, 1% ऑफ टोटल ईयरली कंपनी टर्नओवर. तो मान लीजिए अगर मोदी केयर का जो साल का टर्नओवर है, उसका बीवी जो बनता है, उसका 1% हमारे फाउंडर टाइटल्स को दिया जाएगा. फाउंडर टाइटल क्वालिफिकेशन क्या है? जनवरी से दिसंबर तक हर साल अगर आप डायमंड मिनिमम क्वालिफाई करते हैं, मिनिमम डायमंड, जितना बड़ा टाइटल डायमंड के ऊपर, बाकी बोनस ज्यादा कमाएंगे, तो आप चाहेंगे कि मैं डायमंड जब नहीं, मैं तो आगे वाले टाइटल्स को मेंटेन करना चाहूंगा. डायमंड जब से नीचे नहीं आ सकते, लेकिन मिनिमम 6 मंथ्स करिए, हमारे 1% पूल में आ जाइए, जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी होने वाली है. और इस साल के लिए स्पेशल, क्योंकि ये समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 1 फरवरी से लागू है, आप सन 2023 आप का क्वालिफिकेशन फरवरी से दिसंबर है सिर्फ इस साल के लिए, नहीं तो ये जनवरी टू दिसंबर रहेगा. पॉइंट कैसे मिलेंगे? आपके 5 जनरेशन तक के टीम बोनस पॉइंट्स, जितने भी टोटल होंगे क्वालिफाइज को, क्वालिफाइज के 1% ऑफ टोटल मोदी केयर एनुअल बीवी से डिवाइड करके आपकी पॉइंट वैल्यू आएगी. यानी कि साल के एंड में एक लॉटरी लगने वाली है, जो लोग बढ़िया काम करेंगे. लॉटरी का मतलब है काम करेंगे, एक बढ़िया लमसम पैसा आएगा. जाइए कुछ एक और कोठी, 2-3 कोठियां ले सकते हैं, डिपेंडिंग आप किस टाइटल को अचीव करते हैं और अपनी जिंदगी को कहां बढ़ाना चाहते हैं. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज समीर मोदी आजादी प्लान 2.0, द बेस्ट प्लान एवर. मुझे काफी साल हो गए मोदी केयर में, लेकिन मैंने आज तक समीर जी को इतना बढ़िया प्लान देते हुए नहीं देखा. अपनी जेब से इन्होंने पैसे लगाए, थोड़ा बहुत बीवी एडजस्ट किया, कुछ का सेम रखा है, कुछ प्रोडक्ट्स का बीवी एडजस्ट किया है, और आगे चलकर खूब सारे बढ़िया बीवी के और प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, हाई बीवी के आने वाले हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी. और फिर से समीर मोदी जी ने अपनी जेब से पैसा लगाया, क्योंकि उनका एक ही सपना है, आपकी आजादी, घर घर आजादी. और आइए मिलकर उस सपने को पूरा करते हैं, अपनी जिंदगी खुशहाल बनाते हैं, अपने लोगों की जिंदगी खुशहाल बनाते हैं, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं. सो दिस इज द प्लान. इसकी डिटेल जानकारी लेनी हो, अगेन गो टू योर अपलाइन, गो टू योर लीडर,
अपने ASM या अपनी ट्रेनिंग टीम को कांटेक्ट करिए, इस प्लान के बारे में जानिए, प्लान में काम करिए, जिंदगी बदलिए और आइए मिलकर भारत में एक नया इतिहास लिखें आजादी का। एंड लेट्स बिकम नंबर वन इन एवरीथिंग वी डू। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, नमस्कार, शुक्रिया।